रिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओम विजय फैशन में आप स्टाम्प पेपर लेके आइए, 3 लाख रुपए से ज्यादा का माल कर देंगे तो 1 साल के अंदर आपका व्यापार सफल नहीं हुआ, 3 गुना नहीं कमाए तो माल रख देना और पैसा वापस। रेंज वाइज हम कपड़ा देते हैं, 60 रुपया से हम कपड़ा बनाते हैं, 80, 100, 110, 120, 150, 200, 500, 250, 1000, 5000 तक की क्वालिटी बनाते हैं। माने 8 साड़ी में 4 साड़ी बेच दिया तो 4 साड़ी की पैसा घर में आ जानी चाहिए रिटेलर में, इसके बाद में 4 साड़ी मुनाफे में बच जाती है। तो भाव टू भी भाव बेच दो तो 50 रुपया ही लास्ट में मिलता है, लेकिन कैटलॉग बिक जाती है और रिटेल कस्टमर को भी नुकसान नहीं होता है, उनको फायदा होता है क्योंकि च्वाइस कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम विजय फैशन में, जहां पर आपको अपने व्यापार के ये मिलते हैं वो सारे प्रोडक्ट जिसमें होता है डबल से ज्यादा मुनाफा। तो आज सर हमारे साथ हैं और हम सब जो यहां पर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आप तक ओम विजय फैशन के सारे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो आज हम सब आपसे मिलने आए हैं और आज सर से सारी बातें हम क्लियर करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग। तो नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो भैया मैं, मेरा सवाल जो आपसे है सबसे पहला कि दिवाली आने वाली है, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है, आपको ही पता है कि कपड़े के व्यापार में कंपटीशन बहुत जबरदस्त चल रहा है। कई लोग क्या करते हैं, व्यापार तो स्टार्ट कर लेते हैं, कंपटीशन के मार्केट में अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, वो क्या अपना माल ठीक तरीके से बेच नहीं पाते, क्या कारण है उनका और कैसे वो बेचे? जब खरीदी करते हैं तो उनको खरीदी करने आता नहीं है जी। हम वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, रेंज वाइज हम कपड़ा देते हैं, 60 रुपया से हम कपड़ा बनाते हैं, 80, 100, 110, 120, 150, 200, 500, 250, 1000, 5000 तक की क्वालिटी बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, 100, 200 पीस ले लेते हैं, एक दिन में बिकता नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, उनको क्वांटिटी कम लेना चाहिए, क्वालिटी ज्यादा लेना चाहिए, वैरायटी क्वालिटी ज्यादा लेनी चाहिए, 8 पीस, 12 पीस, 24 पीस, 24 पीस से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जब उनका बिकेगा तो 24 नहीं 200 मंगाओ तो चलता है, वहां ज्यादा फेल कर जाते हैं। यही सारी चीजें हम लोग यहाँ बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे मार्जिन रखना है, किस तरीके से व्यापार करना है, कैसे बेचना है, कैसे रेंज लगानी है। अब क्या है, साड़ी लेते हैं, सूट ले लेते हैं, लहंगा ले लेते हैं, कुर्ती ब्लाउज ले लेते हैं, 50,000 का माल लेते हैं तो कोई भी चीज का रेंज लगता ही नहीं है, ग्राहक आता है अधूरा माल मिलता है भाग जाता है जी। तो 50,000 की खरीदी करनी है तो एक ही क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो बिक्री होगा ना, तो उसमें चार्जर भी आएगा तो सिंपल होगा तो रेंज लगेगा जी। ये कारण होता है कस्टमरों को, आगे माल नहीं बिकता है और वो फेल कर जाते हैं, मतलब वो क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं, वैरायटी में फोकस नहीं करते। हाँ। तो मतलब कस्टमर आके मांगता है तो हो सकता है उनके पास वो चीज ना मिले तो कस्टमर जो है चला जाता हाँ। है और बजट कम रखते हैं और वैरायटी, मान लो साड़ी खाली रखना चाहिए तो वो सूट भी ले लेते हैं, लेगिंग कुर्ती भी ले लेते हैं, 10 चीजें रख देते हैं, किसी में उनका रेंज नहीं लग पाता। लोग कहते हैं कि साड़ी के साथ में मैचिंग जरूर होना चाहिए, तो उनके लिए पैसे की बजट तो बढ़ानी पड़ती है ना जी। मैचिंग आज लेते हैं, पेटीकोट लेते हैं, ब्लाउज लेते हैं तो कम से कम 50-100 लेंगे तो महंगाई के जमाना है तो 10-20 रुपए लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल। तो इसके लिए लाख रुपया हो तो कम से कम उसमें उनकी सब चीज मिला करके थोड़े थोड़े देते हैं तो उनके पास रेंज बन जाता है तो उनका बिकना चालू हो जाता है। तो ये जो तरीका है सेल का कि आप कैसे कंपटीशन के मार्केट में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपकी जो है सेल बढ़ सकती है, ये पूरा आपको प्रॉपर यहाँ पर एक तो सिखाया जाएगा, कुछ आपको जानकारी मिली गई होगी कि सर कितने अच्छे तरीके से बारीकी से आपको बता रहे हैं कि आप जो अपने व्यापार में ग्रो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारे साइड से करने वाली है शिवानी। जी बिल्कुल। तो मुझे समस्त को नमस्कार करा कह चाहिए जे ओडिशा रु जी भी लोक अच्छा प्राय लोक 70% देखा गले करती कपड़ार बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली घर से ही व्यवसाय ही चले, किंतु आप गोटे मार्केट रे देखिए मिनिमम 10-15 दुकान थी, कपड़ा दुकान थी, किए साड़ी बिकु थ किए कुर्ती बिकु थ कार लेगिंगस कार छोट छुआ दुकान छोट छुआ ड्रेस रोकान थी, किंतु लोक माने आपण जाकी पचरबे ओ सेल केमदी, अरे मार्केट पूरा खराब अछि, सेल बिल्कुल नहीं, माने समस्त दुखाई करंती। तो से रिलेटेड आपण केमती निज सेल को बूस्ट करबे आ केमती सस्टेनेबल बिजनेस करबे, चालंतु हमें सर को पचरबा। तबे म आपण मन को पाई तो ओडिया रे क्वेश्चन पचले, किंतु सर को तो हिंदी रे बुझेबा को पड़बा, तबे जाकी से आंसर दे परबे। तो चालंतु सर को सहित कथा बा। सर ओडिशा में ना ऐसा है कि 70% लोगों का घर ये कपड़ों के व्यापार
व्यापार से ही चलता है। किसी का कुर्ती का व्यापार है, किसी का साड़ी का है, कोई हार्ट एरिया में दुकान लगाता है। तो सर ये जो हम सेट वाइज सामान देते हैं लोगों को, ठीक है, तो कैटलॉग वाइज लोग सामान लेके जाते हैं जिसमें अलग अलग कलर आ जाता है, 6 का आ जाता है, 8 का आ जाता है, 10 का आ जाता है, 2-4 बिक जाता है फिर रुक जाता है। तो फिर आप बताइए हमारी कस्टमर्स को कि हमारे व्यूअर्स को कि कैसे बिकेंगे ये। देखिए आज कैटलॉग इसलिए चला था मार्केट के अंदर दुकानदारों के फायदा के लिए। जैसे हम लोग बेचते हैं तो सेल्समैन क्या है, पहले 4 साड़ी बेचते थे, अभी 12 की कैटलॉग आती है, 8 की कैटलॉग आती है, तो अपने 8, 10, 12 बेच के छूटे हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया आज तक जो आपने किया। तो इसका कारण है कि 8, 10, 12 साड़ी का कैटलॉग बेच तो लेते हैं दुकानदार, ग्राहक ले जाते हैं तो उनको बेचना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास आइडिया होता नहीं है और यहाँ दुकानदार उनको बताते नहीं कि किस तरीके से बेचना है। बिल्कुल। देखिए अब जैसे ये हो गया, अब ये कैटलॉग है, अभी 8 साड़ी है, अब 8 साड़ी इसको बेचना है तो ग्राहक के सामने दिखाते हैं तो जिसको जो कलर चॉइस होता है तो पहला साड़ी चॉइस कर लेता है तो बोलता है कि ये मेरे को दे दो। तो जो बेचने वाले ले जाते हैं तो क्या करते हैं 50-25 रख करके उसको बेच लेते हैं। तो इसका बेचने का स्टाइल ये नहीं होता है, जो पहला कलर गया तो क्वालिटी सब अलग अलग रहती है कैटलॉग के अंदर और रेंज की साड़ियां रहती है, हल्की बारी सब रहती है, तो जो अच्छा रहता वही कस्टमर लेता तो उसको डबल रेट में ही बेचना है तो ही बिकेगा। फिर उसके बाद में जो बेचते हैं उसको थोड़ा कम करके बेचना है, माने 8 साड़ी में 4 साड़ी बेच दिया तो 4 साड़ी की पैसा घर में आ जानी चाहिए रिटेलर में, क्योंकि ये चीज हमको बतानी नहीं चाहिए क्योंकि खरीदने वाले भी सुनते हैं, बेचने वाले भी सुनते हैं। लेकिन ये मैटर फंसता है तो दुकानदार भी तकलीफ में नहीं आएंगे, उनको इसी तरीके से ये चीज बेचनी चाहिए। इसके बाद में 4 साड़ी मुनाफे में बच जाती है तो भाव टू भी भाव बेच दो तो 50 रुपया ही लास्ट में मिलता है, लेकिन कैटलॉग बिक जाती है और रिटेल कस्टमर को भी नुकसान नहीं होता है, उनको फायदा होता है क्योंकि चॉइस का लिया है। आज गाड़ी खरीदने जाते हैं तो चॉइस की नंबर ले तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो ये 8 साड़ी में 1 साड़ी लेते हैं तो उसकी चॉइस का तो पैसा लगेगा तो एक कैटलॉग पूरा बिक जाएगा। तो बात ऐसी है कि हम आपको एक कैटलॉग में अलग अलग फैब्रिक देते हैं, कुछ कुछ कैटलॉग में अलग अलग डिजाइन आता है, तो अगर आप 8 साड़ी लेके भी जा रहे एक कैटलॉग में अगर आपको 8 साड़ियां मिल रही है तो 8ों की 8 में आप अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हैं और आप अच्छे से वो माल निकाल सकते हैं, नहीं तो भी नया पुराना करके आपका माल निकल जाएगा। अब मैं उड़िया में कहना चाहूंगी मु आपन मन को एटा कहबा को चाहे जे आमे आपन को सेट वाइज दिन से दो जो प्रत्येक सेट रे आपन को 4टा पीस मिलो, 6टा पीस मिलो, 8टा पीस मिलो, सपुरो आमे आपन को डिजाइन कोटारे कोटारे अलगा दे थाउ, कोटारे कोटारे फैब्रिक अलगा दे थाउ, जा पड़े के आपन गोटे लिमिटेड एरिया रे बिजनेस करूतले मध्य आपन को एटा बनि जे आकु ए साड़ी ता आपन एति टंका रे देले मते केमते एति टंका रे दे देले आपन कहि परिबे जे डिजाइन अलगा छि फैब्रिक अलगा छि जा पड़े के आपन 8टा चक साड़ी रे अलगा मार्जिन सेट कर पारिबे एवं निजो सेल को बूस्ट कर पारिबे। तो हमारे यहाँ गुजरात स्टेट से जितने भी कस्टमर आते हैं उनके लिए हमने उनके सपोर्ट के लिए रखे हैं गुजराती लैंग्वेज में हमारी मैम है जो उनकी खरीदी में उनको सपोर्ट करती है। तो बताइए मैम आप जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं उनको किस तरीके से पूरा सपोर्ट देती है। नमस्कार, गुजरात ना दरेक कस्टमरो ने खरीदी करवामा जे कई भी प्रॉब्लम थाय छे तो एना माटे हूँ हेल्प करू छू। हूँ सोनल, ओम विजय फेशन माथी निस्वार्थ सेवा देते हैं रहने खाने की, और कहां से भी आते हैं वो नहीं देखते हैं कि गुजरात से है कि यूपी से है कि बिहार से, हमारे लिए ग्राहक से भगवान के समान है, हर स्टेट से ग्राहक आते हैं हम निस्वार्थ सेवा उनको देते हैं। गुजरात के हो तो तुमने सर बिहार ना छे पण अहीं गुजरात ना अने बहार ना दरेक स्टेट ना लोको माटे अहीं निशुल्क निस्वार्थ रहेवानी अने जमवानी सुविधा आपवामां आवे छे अने पिकअप अने ड्रॉप नी फेसिलिटी भी आपवामां आवे छे। कस्टमर ने जेवुं जोईए एवुं अहीं कलेक्शन मळी जाय छे।
सिंगल पीस तो हमें आपता नहीं, हमारे होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छे। तो आपके लिए यहाँ पर और भी वीडियोस हमारे जो बनते हैं, हमारी नेक्स्ट एंकर जो है जो आपको सपोर्ट करती है वीडियो के अंदर, हम उनसे भी बात करते हैं, सर से डायरेक्ट वो जो है बात करेंगी और आपको बताएंगी। सो नेहा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज मैं जो टॉपिक बताने वाली हूँ आप सभी को, जो घर से महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, घर के काम के अलावा अगर वो अपना कुछ करना चाहती हैं, चाहे बहुत सी महिलाएं अपना बुटीक खोल के बैठी हैं, कुछ अपना पार्लर खोल के बैठी हैं, तो आज जो घर से कपड़ों का व्यापार करना चाहती हैं सर से जानते हैं। तो सर बताइए, जो घर से महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं कपड़ों का, तो कितना बजट से स्टार्ट कर सकती हैं? देखिए, बजट की कोई सवाल नहीं है, उनमें जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि मेरे को ये चीज करना है। तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 भी लगाएंगी तो उनका, जैसे पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, कुछ साड़ियां हो गया, हमारे यहाँ बॉक्स वाली भी साड़ी है और सस्ती भी साड़ियां हैं, 100 की है, 150 की है, 80 की है, 200 की, 300 की, 500 तक की रेंज ले जाके रखेंगी तो उनका बुटीक के सामने धीरे धीरे थोड़े थोड़े बिकता रहेगा। और फिर उनका आगे जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो उनकी दुकान खुल जाएगी। और मेरे यहाँ बहुत महिलाएं जुड़ी हैं, आप भी जानती हो, और रोज आती हैं और लेके जाती हैं 50,000 का, 1,00,000 का, 2,00,000 का, और आज उनका दुकान चालू हो गया है। और उनके लिए हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं कि कोई भी चीज एक साल तक का नहीं बिका तो उनको हम लोग एक बार नहीं 10 बार भी रिटर्न करके देते हैं, चेंज करके देते हैं। और 3,00,000 रुपया से जो ज्यादा का बिजनेस करना चाहते हैं, डरते हैं, जिसके पास पैसा है, कोई रिटायर हुआ है और चाहता है कि मेरे को बिजनेस करना है, लड़के को कराना है, रिश्तेदार को कराना है और रिक्स लगता है उनको, तो रिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओम विजय फैशन में आप स्टाम्प पेपर लेके आइए, 3,00,000 रुपया से ज्यादा का माल कर देंगे तो एक साल के अंदर आपका व्यापार सफल नहीं हुआ, 3 गुना नहीं कमाए तो माल रख देना और पैसा वापिस। तो आप बताइए, अगर आपका फैसला है, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहती हैं, एक महिला है और आप सोचती हैं कि काम काज के अलावा मैं कुछ अपना अलग से करूं, तो आप यहां से जुड़ के अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकती हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकती हैं। जी, तो फुल सपोर्ट देते हैं हर एक कस्टमर को, फिर चाहे वो मेरी दोस्त हो, महिला दोस्त हो, या फिर कोई भी भाई बंधु हो जो व्यापार को करना चाहते हैं, तो ओम विजय फैशन हर कंडीशन में और हर तरीके से सपोर्ट करते हुए उनके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया।